गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका स्वागत है आपके नए एपिसोड में। तो गाइज ये देखो, मैंने मछली का शिकार किया है और आजकल मैं खाने पीने हर जगह मछली खा रहा हूँ। मेरे पास भर भर के मछली हो चुके हैं क्योंकि हम सिर्फ पानी के अंदर से ही डाइनो को पकड़ रहे हैं, पानी वाले डाइनोज को पकड़ रहे गाइज, जो कि फिश है, इसलिए हमको सिर्फ फिश खाने को मिल रहा है। एंड ये देखो मेरा डंकली स्टुएस कुछ ऐसे ही नाम है इसका, इसको लेके आते हैं भाई। ये पता नहीं कहाँ पानी के बीच में गोते खा रहा है, इसको अपने बेस के पास लेके आते हैं और इसका नाम चेंज करने वाला हूँ गाइज। इसका नाम डंकली स्टुएस है, कुछ ऐसे ही गंदा सा नाम है। इसका नाम मैं डोंकी रखने वाला हूँ, डोंकी नहीं डंकी रखने वाला हूँ। डोंकी तो गधा हो जाएगा, वैसे ये है भी गधा, बट ठीक है, यू नो डंकी ठीक है भाई, इसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए हम इसका नाम डंकी क्यों नहीं, डंकी DUNKEY डंकी रखेंगे गाइज। इसका नाम डंकी सही है, डंकलियस ट्विस कुछ ऐसे ही नाम है इसका, ठीक है, डंकी परफेक्ट है गाइज। लेट्स गो, आज के एपिसोड में हम फिर से जा रहे हैं पानी के अंदर गाइज, जो कि बहुत ही तगड़े डायनोस को पकड़ने, जिसमें से एक आता है बड़े वाले डायनो को पकड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है बसीलो कुछ नाम है। देखो आग के डायनोस को मैं प्रोनाउंसिएशन में बहुत बेकार हूँ, आग के डायनोस स्पेशली मैं पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं उनके, तो मैं नहीं प्रोनाउंसिएशन कर पाता हूँ गाइज, कोई बात नहीं। ओके तो मैं चलता हूँ भाई। ये देखो ड्रैगन, तो उधर ड्रैगन लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मुझे बसीलो को पकड़ने के लिए हमें चाहिए प्राइम मीट, और प्राइम मीट के लिए मुझे जाना पड़ेगा कुछ डायनोस को, बड़े बड़े डायनोस को मारने पड़ेंगे जो हमें प्राइम मीट दे। तो लेट्स गो, चलते हैं अब हम अपने 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 तगड़े से डाइनोज में। और मैंने कुछ फिश रखा है जो कि मैं इनका इन्वेंटरी में रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फिश हैं, तो इनको भी मैं सिर्फ फिश ही खिलाने वाला हूँ, वो भी पके हुए फिश। इनके रॉ मीट्स को हटा देते गाइस, बहुत कच्चा खा लिया इन लोगों ने, अभी पका के खिलाऊंगा इन लोग को, जो मतलब इनके बॉडी को बहुत हेल्प करेगा, यू नो पके हुए खाने अच्छे होते हैं सेहत के लिए। कच्चे वाले भी रख लेता हूँ, क्या पता कोई कच्चा प्रेफर करता हो, है तो वैसे भी ये लोग वाइल्ड, तो इसलिए कच्चा पक्का दोनों रख लेते हैं। अनपरफेक्ट है भाई, इतना खाओ तब तक के लिए, और कमी बेसी होगा तो मैं लेके आ जाऊँगा। और मैं थोड़े से मोजो बेरी रख लूँ ना, कोई इशू तो नहीं है तुम लोगों का, इनके फीड बॉक्स से मैंने मोजो बेरी चोरी कर लिया। लेट्स गो गाइस, मैंने ही रखा था वैसे। अभी यहाँ से निकलते अपने ड्रैगन का, गया अच्छा ड्रैगन मेरे इन्वेंटरी में। ओके तो ड्रैगन को लेके चलते हैं प्राइम मीट के लिए, एंड बड़े बड़े डाइनोस कहाँ मिलेंगे मुझे। मेरे आइलैंड में तो कोई डाइनो नहीं है गाइज, ये जो मैंने घर वर बनाया है यहाँ पे कोई डाइनो स्पॉन नहीं होता, एक आध पेट्राडॉन कभी आ जाता है। इसको मैंने मोजो बेरी खिला दिया यार, इसके लेवल्स बढ़ा लेता हूँ, 6000 हेल्थ ठीक है। इसका मिली डैमेज कितना बेकार है, 200 है यार, बकवास। चलो भाई लेके चलते हैं इसको, जो भी है बकवास है सही है, बट मेरा है, मेरा ब्लू डीमन। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं कोई बड़े बड़े डायनोस को फोड़ के हमें प्राइम मीट मिलेगा। और लुक एट दिस, एक बार एक सेकंड ले लो भाई, इसको देखो क्या तगड़ा लगता है भाई। 360 दिखा दिया मैंने इसको, एंड ये बहुत ही परफेक्ट ड्रैगन है, मतलब पावरफुल रहता और बड़ा रहता तो मज़ा ही आ जाता, बट ठीक है यार। कुछ ड्रैगन वाइब्रेंट तो स्क्रीन पे ही फिट नहीं आते थे, ये ड्रैगन कम से कम स्क्रीन पे तो फिट आ रहा, ठीक है। लेट्स गो यहाँ पे, नहीं यार छोटे डायनो से हमें प्राइम मीट तो नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे बड़े वाले डायनोस के पास ही जाना पड़ेगा। एंड यहाँ फ़िलहाल तो कोई बड़ा डायनो दिख नहीं रहा मुझे, मुझे परफेक्ट प्लेस पता है जहाँ पे बड़े बड़े डायनोज हो सकते हैं, वहाँ पे चलते हैं गाइस, जो कि है ऊपर। अर्जेंट एविस से भी हमें प्राइम मीट मिल जाएगा, तो आई गेस रेक्स वेक्स ब्रॉन्टो मिल गया, तो उनसे हम आराम से ले सकते हैं। एंड कहाँ पे है भाई, मैं शिकार के लिए आ चुका हूँ, शिकार के लिए आया है, लेट्स गो। कहाँ पे है भाई, कोई डाइनो ही नहीं दिख रहा, ये रहा अर्जेंट एविस के झुंड है। एंड ये कौन सा डाइनो है भाई, ये भी कोई मॉडर्न डाइनो है, बट यहाँ इसको मार सकता हूँ क्या मैं, इसको आग जला के मार, भाई मेरा डैमेज इतना बेकार है भाई, वो देखो फेंक दिया मेरे को भाई एक सेकंड में मेरा हेल्थ देखो कितना खा लिया भाई, 25% ड्रॉप कर दिया होगा पक्का, एंड उठा के फेंका मेरे को, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे हम,
हम दूसरे डायनोस को ढूंढेंगे जो कि थोड़ा सा इजी हो। और मेरा डैमेज कहाँ, मैं डैमेज की बात कर रहा था, बिकवास बिकवास है मेरा डैमेज, बिकवास 60 का डैमेज देता भाई। इससे अच्छा तो भाई कोई मेरा मतलब वो जो होते हैं ना मेगा न्योरा चीटी 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 टाइप के डायनोस, वो ज़्यादा डैमेज देते हैं। ये ड्रैगन का बच्चा, ड्रैगन के नाम पे कलंक है बट इसका फ्लेम अच्छा है, तो मैं एक बार फ्लेम करता हूँ उनको, फ्लेम का चेक करते हैं। अबे यार ये विंग वाला 145 का डैमेज देता है, फ्लेम हमारा तगड़ा देता है 61 का डैमेज देता है। ब्रो मेरे को अटका दिया, कहाँ अटक गया भाई, निकल यहाँ से निकल, और एक्स काट लेगा। बच गया, एक मिनट, खा लिया यार रेक्स ने उस ब्रॉन्टो को, खा लिया, मैं मार रहा था, बकवास रेक्स, रुक तेरे को बजाता हूँ, रुक थोड़ा स्टैमिना मेरे को पूरा करने दे, तेरे को अभी 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 मैं तेरे को बजाऊंगा, रुक। हाँ हियर वी गो, आ जा बेटे, अरे 135 का है भाई, गलती हो गया भाई, सॉरी रेक्स भैया, सॉरी रेक्स बहन, पता नहीं क्या थी भाई। कोई सिंपल सा डाइनो देखने चलते हैं भाई, जो सिंपल हो, ब्रॉन्टो से ही पंगे ले सकता हूँ मैं, जिसके पास रेक्स वेक्स ये ना हो, क्योंकि मेरा डैमेजेस देख रहे हो भाई, डैमेज बहुत मिल रहा है मेरे को। यहाँ पे अपना फ्लेम जलाते हैं गाइस, ये थर्जीनो, एक मिनट, अरे ओ नो 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 भाई, बहुत डैमेज मिल रहा है मेरे को भाई 62 का तो थर्जीनो डैमेज दे रहा है मेरे को, एंड पूछो से मारा जा रहा है मेरे को, दबा के मारा जा रहा है, स्टैमिना भी नहीं है ब्रो, मेरे को निकलना पड़ेगा, मेरे को निकलो भाई, इधर से निकलो, यहाँ पंगे नहीं लेना भाई, मेरे को पंगे नहीं लेना, मेरा हेल्थ देखो भाई, 6000 का हेल्थ इतना जल्दी कम हो गया भाई, ये ड्रैगन बकवास है। ब्लू डीमन, नाम बड़ा दर्शन छोटा, बकवास है भाई बकवास है, इसको थोड़ा पावरफुल करना पड़ेगा गाइज, इतना तगड़ा ड्रैगन लेके आया था लेकिन कोई काम का नहीं है भाई। और देखो भाई हेल्थ तो पूरा गया, स्टैमिना भी बकवास है, एक ही फ्लेम में इसका स्टैमिना लो हो जाता है यार। वहाँ पे देखो कुछ ब्रॉन्टो डैमेज है, आई गेस उन्हीं को मुझे करना पड़ेगा, लेट्स गो गाइज, वहाँ पे जाते हैं और इस ब्रॉन्टो को पकड़ते नहीं हैं इनको मारते हैं। देखो तीनों का डैमेज है, आई गेस मैं इतना दूर खड़ा हूँ तब भी उसका पूंछ मेरे को हिट हो रहा है, वाओ। आ जा बेटे तू मेरे पास आ जा, तेरे को मैं चलाता हूँ, ये ले, ओ मर गया, ये देख रहा हूँ मेरा फ्लेम का शक्ति भाई, यू कांट बीट द फ्लेम, लेट्स गो गाइस, इन दोनों की बारी है, स्टैमिना ही कम हो गया, जला 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 जला, वाह वाह वाह, तगड़ा है ब्रो तगड़ा है भाई, फ्लेम तगड़ा है मेरे पास, मेरे को मत मार भाई, मेरे को प्लीज़ मत मार, मैं वैसे भी बेकार ही हूँ, मेरा ड्रैगन बेकार है, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं तो 100 लेवल का होने जा रहा हूँ। इस ब्रॉन्टो को ख़त्म करते हैं, कुछ प्राइमेट्स तो आराम से मिल जाएगा इस ब्रॉन्टो से भी, लेट्स गो, स्टैमिना ही नहीं है ब्रो, स्टैमिना ही नहीं है, स्टैमिना रिकवर करके इसको फिर से जलाऊंगा मैं, एंड प्राइमेट लेके जाऊंगा मैं, एंड बसीलो को खिलाऊंगा मैं। ओके बसीलो आपने देखा होगा पानी के अंदर, मैंने तो देख के रखा है, 145 लेवल का मुझे मिला है, तो मैंने सोचा चलो आज के एपिसोड में उसको टेम कर लिया जाए, एंड हियर वी गो, खत्म। कितने प्राइमेट मिलेगा, 4-6, ठीक है आई गेस इतना बहुत है भाई। ओके एंड उसको भी मार दूँ क्या, वैसे भी वो भी डैमेज है भाई, कुछ लेवल भी बढ़ाने पड़ेंगे तो ठीक है, मिली डैमेज में सब लेवल देंगे भाई। अरे यार तू ना स्टैमिना का देख भाई, स्टैमिना तेरा तू ड्रैगन है ब्रो, तू ड्रैगन हो के तेरा स्टैमिना इतना कम कैसे हो सकता है यार, ठीक है कमज़ोर ड्रैगन, वैसे भी ये जुविनाइल है, मतलब बच्चा वाला ड्रैगन जो कि बड़ा हो गया, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये जुविनाइल ड्रैगन है और इसको मैंने जुविनाइल से अडल्ट से बड़ा किया, लेकिन वो तब भी जुविनाइल है। ओए वे गाइस 95 लेवल का आरकियो पता नहीं कौन सा मर गया भाई, ठीक है इसने प्राइमेट दिया ही नहीं, वाह भाई वाह, मैं इतना मेहनत कर रहा, मैं सोचा इतना बड़ा ड्रैगन नहीं इतना बड़ा डायनासोर को मार रहा हूँ, मेरे को प्राइमेट मिला ही नहीं। लेट्स गो गाइस घर चलते हैं, बेस की तरफ लौटते हैं, एंड इतना प्राइमेट से देखते हैं भाई होता है या नहीं होता, लेट्स गो अभी बेस की तरफ जाके उसको ढूंढना पड़ेगा हमें, मछली को, बसीलो को। ओके गाइस मैं बेस में आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपने हंगरी में ये सारे मीट्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि यू नो ड्रैगन तो पानी में जाएगा नहीं और मैं इसको लेके भी नहीं जाने वाला, क्योंकि इसका हेल्थ डैमेज वैमेज सब बेकार है,
तो हम अपने क्रॉक के अंदर लेके चलेंगे गाइज। एंड मेरे पास 9 प्राइम मीट है एंड इसको लेके चलते हैं। अरे ये अंडा दिया भाई, हंग्री, मेरा क्रोकोडाइल हंग्री ने अंडा दिया। वाह, इसका ऑमलेट बना के खाऊंगा मैं। एंड लेट्स गो गाइज, पानी के अंदर चलते हैं। एंड मैंने देख के तो रखा है वो बसीलों को, यहीं कहीं पे है। एक मिनट, दिखेगा तो नहीं यहाँ पे, मेरे को थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। वो थोड़ा रेडवुड की तरफ है गाइज, वहाँ पे मैंने देखा 145 लेवल की तगड़ी सी। अरे ये मछली आगे आ रही है, रुक जा, इसको मैं काटेगा एंड काट ले भाई, काट के इसका, देख रहे हो, 2 मिनट में 140 लेवल की ये बड़ी सी गंदी सी मछली को मैंने 2 हिट में ही मार दिया भाई। अपना हंग्री ताकतवर बन रहा है और इस हंग्री को लेके चलते हैं भाई बसीलो को पकड़ने। बसीलो है कहाँ तू भाई, दिख जा तू, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा भाई। बसीलो, वेयर आर यू बसीलो? बसीलोसॉरस है क्या, पता नहीं मुझे। उस बसीलोसॉरस का भी बहुत एडवांटेजेस हैं गाइज, वो शॉक प्रूफ है। तो चलते ढूंढते हैं। एंड गाइज, ढूंढते ढूंढते मेरे को बसीलो मिल चुका है, जो कि यहीं पे थोड़ा सा नीचे ही है। पता नहीं यार, बहुत सारे बसीलो उड़ रहे हैं, मतलब उड़ नहीं रहे, तैर रहे हैं पानी में। एंड ये देखो, ये रहा, यही है ना। हाँ ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, अकेले ही उड़ रहा था। इसके पास मैंटा वेंटा था, मैंने पहले ही इसके मैंटा वेंटा को मार चुका है, जो कि मतलब एक और डाइनो होता है जो उसके सराउंडिंग्स में घूमता है। तो अभी ये अकेले है। अबे मेरा प्राइमेट कहाँ है, मेरा प्राइमेट? अबे हंगरी के बच्चे, तूने मेरे सारे प्राइमेट खा लिया? क्या बकवास है भाई, मैंने इसके अंदर 9 प्राइमेट लेके आया था भाई, इसने खा लिया भाई। बकवास कहीं का, हंगरी नाम ऐसे ही नहीं रखा मैंने भाई। ये भुक्कड़ क्रोकोडाइल का बच्चा पूरे प्राइमेट्स को खा लिया। देखो भाई, ये फिश मीट नहीं खाता क्या भाई? खाना तो चाहिए यार, ये प्राइमेट खा लिया ब्रो। इतना मेहनत से लेके आया था मैं, ड्रैगन के मदद से बच के लेके आया था भाई। इतना बकवास हो गया भाई, मेरे साथ स्कैम कर दिया ये हंगरी का बच्चा। हंगरी खा लिया यार मेरा प्राइमेट को, लेके आना पड़ेगा फिर से मुझे, रेडवुड में तो होंगे। अफ यार क्या बकवास है। अच्छा भला मैं टीम करने जा रहा था उसको, यार ये पूरा स्पॉइल कर दिया मेरे मूड को। अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार, ढूंढना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बकवास कहीं का भुक्खड़। अब देखो यार कहाँ पे मिलेगा भाई, आसपास कोई बच्चा बच्चा भी मिल रहा है डाइनोस के छोटे छोटे, तो उसको भी ख़त्म कर दूंगा मैं, उससे हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। वो देखो वहाँ पे है, ये बड़े वाले ड्राइनो से तो आराम से मिल जाएगा प्राइमेट। लेट्स गो गाइस, उसी को मारते हैं और फिर उसके बाद अपने बसीलों का टेम करेंगे भाई। कोई बात नहीं, होता है भाई, उसको भी भूख लगता है, ठीक है ना। वैसे भी ये देखो कितना बड़ा है, कितना, ओके ओके परफेक्ट, हमारा काम बन जाएगा गाइस। एक ही बाइट में सबको ख़त्म करेंगे, हेयर वी गो। वो वो बियर तो मर गया, लेकिन ये नहीं मरा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। बियर ने हमें प्राइमेट भी नहीं दिया, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक बड़ा बाइट से, गीगा बाइट से हम ख़त्म कर देंगे। 351 का डैमेज है, 474 ठीक है, गीगा बाइट की बारी है गाइज। और हेयर वी गो, 717 का डैमेज है ब्रो। बाइट इज परफेक्ट, 122 प्राइम मीट मिल चुका है हमें। लेट्स गो गाइज, हमारा प्राइम मीट का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम जल्दी से उसको टीम करते हैं भाई, बहुत लैग वैग हो रहा है यार। केव वेव है क्या इधर पे? थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लेते हैं गाइज, लेट्स गो, अब निकलते हैं भाई। अब यहाँ पे ढूंढ के हम बसीलों को टीम करेंगे, हमारे प्राइम मीट से अब आराम से वो टीम हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो पैसिव टेमिंग है एंड उसके लिए मुझे प्राइमेट एक ही करके खिलाना पड़ेगा गाइस। ये रहा क्या, यहाँ पे कैसे आ गए वो इतनी जल्दी? हाँ नहीं, ये नहीं है भाई, इसके पीछे मैंटास आ गए ब्रो। यही है क्या? नहीं ये नहीं है, नहीं ये तो फीमेल है और प्लस 90 लेवल की है। नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए ब्रो, मेरा 145 लेवल का कहाँ पे है? बसीलो, वेयर आर यू? ढूंढना पड़ेगा फिर से मुझे, आसपास ही है वैसे, वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कहीं पे पड़ा होगा वो। दिख जा बेटे, दिख जा, तेरे लिए मैं लाया हूँ प्राइम मीट।
प्राइम मीट से वैसे जल्दी टेम हो सकता है, नॉर्मल मीट से भी टेम हो सकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, इसलिए हम प्राइम मीट लेके आए हैं ताकि ये जल्दी टेम हो जाए। एंड ये रहा मेरा 145 लेवल का, एम आई राइट? तू 145 लेवल का ही आ रहा है। ये शार्क कहाँ से आ गया? मेगलाडॉन, मेगलाडॉन, मेगलाडॉन आ गया। इसको ख़त्म करते हैं ताकि हमारे पंगे ना हो। एंड मर गया। ओके लेट्स गो गाइस, अपने बसीलों को खिलाते हैं प्राइम मीट। इसके लिए हमें इन्वेंट्री में जाके प्राइम मीट को लास्ट स्लॉट में लेके आना पड़ेगा। ये हियर वी गो गाइस। एंड यहाँ पे अब बस मुझे भाई स्कूबा गियर नहीं लाया यार, स्कूबा गियर लेके आना चाहिए था, मेरा सांस फूल रहा है। ओह शिट, मैं स्कूबा गियर लाना ही भूल गया, मैं मेटल आर्मर से ही टेम कर रहा हूँ उसको। कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे भी मेरे को ज़्यादा नहीं रहना पड़ेगा कि स्कूबा गियर लेके आऊँ, क्योंकि आई गेस मुझे पानी में भी तो ज़्यादा रहना पड़ेगा। हे ओके ओके, खिला दिया है गाइस इसको मैंने। एंड अभी इसको टाइम लगेगा, ये दोबारा मीट खाने के लिए बहुत टाइम लेगा, तो मैं तब तक जाता हूँ बेस से स्कूबा गियर लेके आता हूँ एंड फिर उसको खिलाएंगे आगे के प्राइम मीट्स। ओके सो गाइस, स्कूबा गियर लेके आ चुका हूँ। ये देखो भाई, स्कूबा गियर से हमें क्लियर क्लियर सा दिखता है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। स्कूबा गियर का काम ही यही होता है कि हमें थोड़ा पानी में अच्छा दिखाए। एंड अब चलते हैं अपने बसीलों के पास, जो कि हमारा आसपास ही है। अच्छी बात है यार, उसको जैसे ही खिलाओ तो थोड़ा सा टेमिंग वेमिंग का आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पे है, वरना फिर से दोबारा ढूंढते ढूंढते भाई बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे ये सिर्फ पैसिव वाले में होता है, ठीक है, इट्स ओके गाइस, पैसिव डाइनोस वैसे भी ठीक ही होते हैं। एंड अभी इसको दोबारा खिलाना है ना, एक सेकेंड, उतर के खिलाना पड़ेगा गाइस। लेट्स गो, अपना प्राइम मीट रखते हैं इसके स्लॉट में, अपने स्लॉट में, इसके स्लॉट में नहीं। एंड अंडाजा बाबू खा ले मेरा, मेरे छोटू सा मछली, छोटू तो नहीं है अबे, वेट अंटी। अच्छा अभी इसको भूख नहीं लगा भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, इसको भूख नहीं लगा है। मेरे हंगरी को तो बहुत भूख लगता भाई, इसको खिला दो, जितना खिला दो वो कितना खा लेगा भाई। ये बड़ा सा क्रॉकू ना, बड़ा बदमाश है, पूरे 9 प्राइमेट्स को खा लिया और मेरे को पता भी नहीं चला, मतलब क्या बताऊँ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अभी मैं दबा के लेके आया हूँ, जितना मन है उतना खिलाएंगे इसको भाई। इसी काफ़ी टाइम ले रहा है यार, मैं तो बेस में जाके वापस भी आ गया, ढूंढ भी लिया इसको दोबारा, काफ़ी टाइम ले रहा है ये, बट ठीक है, इसको भूख नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, लगेगा तेरे को भूख, रुक जा, मैं तेरे को खिलाएगा खाना अपने हाथों से। उतर के देखते हैं गाइस, अब तो हो गया होगा, अब तो इसको, एक सेकेंड नहीं, वेट अंटिल हंग्री ब्रो, कितना टाइम लेगा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है यार, इसका कितने सारे ड्रॉप हो चुके हैं भूख का मीटर तब भी। 15 मिनट्स लेटर भाई, काफ़ी वेट हो गया ब्रो, काफ़ी वेट मैंने किया और अभी भी इसका इतना कम मीटर गिरा भाई। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ भाई, मेरे प्राइम मीट सड़ने को आ गए हैं, देखो दोबारा से सड़ने को आ गए और अभी भी ये भूखा ही नहीं है। मैं उतर उतर के देख के थक गया भाई, एक सेकेंड खा रहा है, हाँ खा रहा है, खा रहा है, परफेक्ट, खा ले भाई। मेरे को फिर से प्राइम मीट लेके जाना पड़ेगा यार, इसको भूख ही नहीं लग रहा, अभी फिर से ये कितना टाइम वेट करेगा यार। एक सेकेंड, इसका भूख का मीटर बढ़ा नहीं क्या, ये और खिला सकता हूँ क्या मैं इसको, एक बार खिला के देखते हैं गाइस। भाई देख रहे हो, इतना सारा प्राइम मीट लेके आया था 122 और अभी ये सारे प्राइम मीट स्पॉइल होने, ओए एक और पर खा रहा है। ओके परफेक्ट परफेक्ट गाइस, अब ये लगता लगातार खाएगा, एक और खिलाते हैं, एक और खिला के देखते हैं भाई, खा ले मेरा बच्चा, खा ले मेरा प्यारा सा मछला, मछली तो नहीं बोलेंगे ना, बड़ा है इसलिए मछला। ओके खा ले बेटा, हाँ हाँ, एक और, एक और, वेरी गुड, कितना परसेंट हुआ, आधा हो गया भाई, 3 और खिलाने मेरे को, एक और बस स्पॉइल ना हो जा मेरा मीट, वरना मेरे को दोबारा से जाना पड़ेगा और मैं नहीं जाना चाहता। एक और नहीं, भूख नहीं लग रहा इसको, लग जा भूख, लग जा, हाँ हाँ हाँ, भूख लगा क्या, ये डॉल्फिन को तो भूख नहीं लगा ना, खाएगा कौन खाएगा, बसीलो खा ले तू, खा ले, हाँ खा लिया मेरा बच्चा, वेरी गुड, 2 और खिलाने भाई, 2 और खिलाने, एक सेकेंड, अरे क्रॉकू मेरे पास आ जा, तू 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 मेरे दिल की बात नहीं समझता, ये क्रोकोडाइल मेरा दिल का बात नहीं समझता, इसको ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाना चाहिए था। एंड अभी इसको खिलाते हैं, आजा मेरा एक और प्राइमेट दे दे, दांत वांत तो ऐसा शार्प करके, अरे मेरा स्पॉइल होने वाला है यार, ये हंगरी के अंदर स्पॉइल होने वाला है यार वो मीट,
आजा आजा आजा, खा ले बेटा खा ले, प्लीज़ खा ले, एक और, बस एक और खिलाना है मुझे, एक और खिलाना है, प्लीज़ स्पॉइल मत हो जा, प्लीज़ स्पॉइल मत हो जा, एक और जल्दी से खिलाते गाइस, जल्दी से खिलाते, लेट्स गो खा ले बेटा खा ले मेरा सुंदर। एक मिनट यार, इसको भूख नहीं लगा, खा लेना, स्पॉइल हो गया भाई, मेरे को लेके ही आना पड़ेगा। क्रॉकू के अंदर है क्या भाई? भाई मतलब एक मिनट और मेरा प्राइम मीट बच जाता और इसको भूख लग जाता तो क्या बिगड़ता यार। देखो सारे स्पॉइल हो चुके हैं, 100 समथिंग था, सब स्पॉइल हो चुका है भाई, लेके ही आना पड़ेगा मेरे को। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अबे दो इधर पे क्या कर रहे हैं? ओके गाइज, फिर से जाते हैं भाई, फिर से प्राइम मीट लेके आते हैं, इसको दोबारा से खिलाएंगे हम, दोबारा से कोई मीटर वीटर डाउन तो नहीं होने वाला। ओके गाइज, मैं प्राइम मीट लेके आ चुका हूँ, ज़्यादा तो नहीं लाया, 5-6-7 ही हैं कुछ, एंड ये इतने परसेंट तो टेम हो ही चुका है, बस एक और बार खिलाना है हमें। हेयर वी गो गाइज। ओके फाइनली अपना बसीलो टेम हो चुका है गाइज, अब इसको लेके जाते हैं अपने घर की तरफ, अपने बेस की तरफ। वो आराम से आराम से, इतना उछल कूद इतनी बड़ी मछली होके नहीं करना चाहिए, मतलब कर सकता है अगर तू डॉल्फिन है तो, वैसे डॉल्फिन जैसी तो दिख ही रही है, बड़ी डॉल्फिन। लेट्स गो गाइस, अपने बेस की तरफ चलते हैं एंड इसको मैं आपको राइड करके दिखाऊंगा। एंड वैसे दिखने में ये बड़ा सुंदर है, मतलब जब वो पानी के ऊपर तैरता है, काफ़ी उछल उछल के तैरता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी भी उछल उछल के तैरता है क्या? कहाँ पे भाई? बहुत दूर है वो, देख रहे हो कैसा तैर रहा है? पीछे पीछे आ रही है मेरी प्यारी सी क्यूटी सी डॉल्फिन। ओके गाइज, यहाँ पे मेरा जैल्ड्रीट का ड्रैगन एग था, इसको मैं हैच करने के लिए रख दिया हूँ। एंड ये 20 लेवल का है, जो कि मैंने सबसे पहला ड्रैगन को पकड़ा था तो वो 20 लेवल का था। इसको हैच करेंगे गाइज, एंड इसको भी रख देंगे अपने बेस के छत के ऊपर। एंड ये रहा अपना बसीलो, जो कि है 217 लेवल की गाइज। एंड मेरे पास सैडल का है, अबे सैडल तो बनाया था मैं, लेके आना ही भूल गया भाई, सैडल लेके आते हैं। ओके गाइज, ये रहा अपना बसीलो गाइज, सैडल मैंने पहना दिया और देखो भाई कितनी कूल लुकिंग डॉल्फिन है, डॉल्फिन नहीं है बड़ी सी, मतलब जो भी है बसीलो ही नाम रखते हैं इसको। और अगर आपको इसका नाम चेंज करना है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मैं इसका क्या नाम रखूँ। एंड वीडियो एंड करने का वक्त हो चुका है गाइज, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।